अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नवीद है। मेरे साथ ना अभी मैं ये तीसरे साल के MBBS का तालिब इल्म हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नवीद है। मेरे साथ ना अभी मैं ये तीसरे साल के MBBS का तालिब इल्म हूँ और मेरा सालाना इम्तहान हो रहा है। मुझे कुछ 15 मिनट का वक्त दिया गया है और मुझे कहा गया कि मैं आपसे आपकी सेहत के बारे में और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूम हासिल करूँ। और ये जितनी जो गुफ्तगु होगी हमारे दरमियान रहेगी, ठीक है ना, तो ये डर से दावत करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर लें। आप नाम बताइए अपना। इजाज़ अहमद। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। माशाल्लाह। और कितना पढ़े लिखे हैं? मैं FA किया भाई। ठीक हो गया। और शादीशुदा है? जी सर। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह एक बेटी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपकी रिहाइश कहाँ की है? गुना। ठीक हो गया। तो ये बता सकते हैं कि यहाँ कैसे, किस हॉस्पिटल आप आए हुए हैं, तो किस तकलीफ के साथ आए हैं? जी सर, ये थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे इसलिए आया हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए। कोई सेहत का कोई प्रॉब्लम है या कोई जिस्मानी तौर पर तकलीफ है? जी सर, बताएंगे क्या तकलीफ है सर? सर इसको साफ चिखलाता है मेरा, उसकी कमजोरी रहती है। इस बारे में हमसे डिस्कस करना। ठीक हो गया, इसमें इंशाल्लाह भी बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना आपसे आपकी जो बचपन की कुछ आदतों के बारे में और जो शुरू का कुछ हिस्सा होता है ना, जो हमल के अतबार से, वो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। तो उसमें एक तो आपसे मेहमान शहर को बताया हो कि जब वाला हमला हुई थी और उसके बाद जब उनकी डिलीवरी वगैरह हो गई, तो उसमें कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? तो ऑपरेशन से था या नॉर्मल नॉर्मल था? ठीक है, बच्चा अपने वक्त से चलता है, बोलता है, गर्दन संभालता है, तो उसमें कोई ताकि तो नहीं थी अपने वक्त से था? बच्चों को बाद तक मायूब आदतें होती हैं, जैसे अंगूठा चूसना या सर दीवारों पर मारना या बहुत जिद करना या कपड़ों में शाल रात को निकाल देना, इनमें से कोई ऐसी अंगूठे चूसने की आदत थी? हो गई थी, फिर बाद में काबू कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बचपन के बारे में आपके जो है ना मैं पूछूंगा आपसे, तो मुझे ये बताइए कि आपका जो बचपन कैसे गुजरा? बच्चे होते हैं ना, बहुत कुछ होते हैं, बहुत शरारती किस्म के, और कुछ होते हैं बड़े ही शरीफ और नफ्स, बड़े शरीफ और अपने आप के रहने वाले। आप किस किस्म के बच्चे थे? नॉर्मल से। ठीक है, अच्छा, आपकी जो अपने बहन भाइयों के साथ कैसे ताल्लुक थे? सबके साथ ही दोस्तान आते थे। और अम्मी अब्बा के साथ? जी सर, अम्मी अब्बा के साथ। इनमें अम्मी अब्बू में से ज्यादा किसके साथ आपका ताल्लुक अच्छा था? सर अम्मी के साथ। वालदा के साथ। ठीक है, वालदेन बहुत ज्यादा सख्त मिजाज के तो नहीं थे आपके साथ? नहीं सर। ये कुछ वालदेन होते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चे को बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं, बचा बचा के रखते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। ठीक हो गया। अच्छा, बचपन में कोई शरीफ किस्म का हादसा या कोई बहुत पेचीदा किस्म की बीमारी या हॉस्पिटल में रहे हो, ऐसा मामला हुआ है? नहीं सर, ऐसे कभी नहीं हुआ। या ऐसा हुआ हो कि वालदेन की आपस में कोई झगड़े की वजह से रहती हो गई हो, या लंबे अरसे के लिए वालदा या वालिद के बगैर आपको रहना पड़ा हो? नहीं सर। ठीक है, या करीब दूर के रिश्तेदारों में फौत की उस जमाने में हो गई हो, जिसकी वजह से फैमिली में टेंशन से बन गया हो? नहीं सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चों के साथ ना बाज़ औक़ात बहुत जुलूस सितम भी होता है। जी सर। बाज़ औक़ात उनको मारपीट की जाती है और वो अंदाजा नहीं है चले। और आपके ख्याल के मुताबिक कि तब और कैसे शुरू हुई है? ये सर चाहने की शुरू हुई है। तो कोई वजह आपके ध्यान में है इसकी? नहीं सर। अच्छा, कोई वजह नहीं है। और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं किस तरह से मुतासर होते हैं, जो ये दो नवा में दोस्त हैं या फैमिली वाले हैं, उनको उन पर क्या असर होता है इसका? सर उनके ऐसा नहीं होता। ठीक है, और कोई इलाज आप कराना चाहते हैं इसका? जी सर। ठीक हो गया, और आपको लगता है कि इलाज से फ़ायदा भी हो जाएगा? जी इंशाल्लाह सर। ठीक है, और आपको क्या महसूस होता है कि ये जो चक्कर आना और ये जो तकलीफ है, आगे जाकर इसका क्या होगा, इसका क्या मुस्तकबिल है? जी सर, ये वैसे टेंशन रहती है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी बस चंद सवाल हैं कि अपनी शख्सियत के बारे में मुझे
बता सकते हैं कि हर इंसान की होती है ना मुनफरिक शख्सियत होती है, तो दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो अपने बारे में बताएंगे कि आप किस किस्म के इंसान हैं और क्या आपकी आदतें हैं, किस्म की शख्सियत है, उसके बारे में बता सकते हैं। जी सर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना हो, अगर मैं किसी के लिए चाहना कर तो मुझे गुलामी नहीं करनी चाहिए, मुझसे किसी का गुलामी ना हो, अल्लाह मुझे सब पे काम करने की किसी को सोचने की हमेशा जब भी सोचूँ किसी के लिए कुछ करूँ तो अच्छा करूँ और अच्छा सोचूँ। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो दोस्त बना लेते हैं? जी सर, आसानी के साथ सर बन जाते हैं, बन जाते हैं। तो उसमें आपके ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जो जिनसे कच्ची दोस्ती होती है या कोई पक्के दोस्त नहीं है? सर जिनसे आपकी दिल की बातें भी आप कर लेते हैं, ठीक हो गया, और दोस्तियाँ बरकरार भी रख लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मिजाज के कहते हैं, जो बहुत गुस्से वाले मिजाज के होते हैं, कुछ ठंडे मिजाज के होते हैं, ठीक है। और अगर कोई कभी कोई कुछ लोग होते हैं ना जज्बाती किस्म के फैसला करने लगे, सोचते नहीं हो कर जाते, तो आप उस किस्म के हैं या कोई काम करने से पहले अच्छा सोचते हैं? और जब कोई मुश्किल परेशानी या स्ट्रेस आ जाए आपके ऊपर, तो कैसे मुकाबला करते हैं उसका? सर इस बार अल्लाह से दुआ करता हूँ, लोगों से मदद भी लेते हैं, फिर उसके लिए मसला है परेशानी हो या भाई मिला करते हैं, डिस्कस भी उसको कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपके शौक क्या है? लोगों की फारे को काफ़ी मुख्तलिफ शौक होते हैं ना, कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को साइकिलिंग का शौक होता है, तो आपका कोई ऐसा खास फायदा? यही शौक है कि थोड़ा सा फैमिली को टाइम दो और बाकी क्रिकेट का माशाल्लाह सर आपको शौक है। बाकी दीनी रुझान कैसा है, यानी कुछ लोग जैसे नमाजें नमाजों को अदा करना, दीगर फ़राइज़ हैं, रोजे रखना और सारा जैसा ठीक है, नमाज़ पढ़ता सारे नहीं पढ़ता, कोशिश करते हैं रोजे भी रखते हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा जो कवानीन होते हैं ना, इस सोसाइटी में रहते हैं तो उसके अंदर कवानीन होते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये फॉलो करने नहीं करना, तो उसकी आप पाबंदी करते हैं या नहीं परवाह करते हैं? अच्छा, आप ये बताएँ कि जिस आप इलाके में रहते हैं वहाँ जो सहूलियात है, जैसे डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो आम दरफ्त होता है गाड़ियों का, उस और पानी वगैरह और चीज़ें हैं मुझे सारी? जी सर, सब कुछ है माशाल्लाह। और वहाँ जो काउंसलर होते हैं उनके साथ ताल्लुक ठीक है, नाज़िम वगैरह और काउंसलर उनके साथ, कोई ऐसा मुश्किल या परेशानी? बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आप कोई बात है तो पूछना चाहते हैं? आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपसे डिस्कस करते हैं।